हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं सोफिया। आज हम बनाएंगे पोटैटो टिक्का, यानी कि आलू का टिक्का। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आता है और बहुत जल्दी बनकर आता है। तो यहाँ मैंने आलू लिए हैं, ये मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं। आप चाहे तो बड़े भी ले सकते हैं। ये आधा किलो आलू लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इसे मैंने बॉयल कर रखा है। थोड़े से मैंने प्याज के इस तरीके से स्लाइस कर रखे हैं। थोड़े सा हरी मिर्च का, शिमला मिर्च का, आधा शिमला मिर्च का कर रखा है। 2 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून मैंने हैंकर लिया है, हैंकर। 2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, रोस्टेड बेसन। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है। थोड़े से मसाले लेंगे इसमें। तो यहाँ मैंने अमचूर पाउडर लिया है 1 टीएसपी, छोटा साइज ही लिया है मैंने ये वाला। और हाफ टीएसपी नमक है, आधा चम्मच ही सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट है, आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर है, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, गरम मसाला है 1 टीस्पून और जीरा पाउडर है 1 टीस्पून। तो सबसे पहले हम इसको जो है मिक्स कर देते हैं। मैरिनेट में इसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि मैरिनेट हम इसे करें। तो यहाँ पर हम पहले सारे मसालों के साथ इसको मिक्स करेंगे। सारे मसाले हम बाउल में डाल देते हैं। तो जल्दी से बनकर आने वाला ये आलू टिक्का है, और इसी में हम सारे मसाले जो हमारे पाउडर वाले हैं, कसूरी मेथी भी मैंने 1 टीस्पून लिया है, तो इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे। यहाँ हम 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल है, इसे मैंने पका के ठंडा कर लिया है। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसी में हम शिमला मिर्च, प्याज और आलू डाल देंगे, और इसको अच्छे से मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने कटोरी में 2-3 कोयले इसको सुलगा रखे हैं। थोड़ा सा हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, और इसको ढक देंगे करीब 4 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम प्याले निकाल देते हैं, और अब हम इसको स्क्वायर्स में लगा देंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर आते हैं ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए और बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरीके से हम इसको सारे स्टिक में लगा लेते हैं। इसे हमने स्क्वायर्स में लगा लिया है, अब हम इसको फ्राई है। तो इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, और इसको इस तरीके से रोटेट करते जाएंगे जिससे ये हर तरीके से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, अब हम इसको उतार लेते हैं। ये तंदूरी पोटैटो टिक्का बनकर रेडी है, अब इसे एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, गुड बाय, हैव अ गुड डे।